बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में होने वाली है। 30 मई को केंद्र की मोदी सरकार अपने 8 साल पूरे करने जा रही है। मोदी सरकार के आने से आत्मविश्वास और देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। मोदी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों को लोगों तक पहुंचाने की योजनाएं तैयार की जाएंगी। रायपुर से जयपुर रवाना होते वक्त ये बातें कही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, साथ ही ज्ञान वापी मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह राम जन्मभूमि के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने न्यायालय के आदेश को माना था, उसी तरह दोनों पक्षों को ज्ञान वापी में न्यायालय के आदेश को मानना चाहिए। कांग्रेस की भूमिका और स्टैंड हमेशा बदलता रहता है। जब चाहे जो बयानबाजी कर दें और उसके बाद उस बयान को फिर दूसरे बयान में बदल दिया जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की तत्परता देखिए, बस्तर के प्रति लगाव देखिए। कोंटा की सभा में उन्होंने कहा कि मैं 4.5 साल बाद पहली बार आया हूं बस्तर में, कोंटा आया हूं, मांग लो क्या मांगना है। अब मुख्यमंत्री के आखिरी कार्यकाल के आखिरी वर्ष में जाकर एक बस्तर के दूरस्थ अंचल में बोलते हैं कि मैं 4.5 साल बाद आया हूँ, क्या मांगना है मांग लो। ये दिखाता है कि बस्तर के प्रति मुख्यमंत्री जी का रुझान झुकाव कितना है, प्रेम कितना है। सारे वो काम जो डेवलपमेंट की आज दिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, जितने एजुकेशन हब बने हुए हैं, जितने वहाँ पे हाई स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के में काम हुआ है, उन सारे कामों को जब देखते होंगे तो पत्थर लगा हुआ।